अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रमादान लसन। नाज़िम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। लेकिन कराची का जो मलेर शमसी सोसाइटी का जो वाकया पेश आया, दिल खराश वाकया, नाज़िम उसने इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। देखो, चार अफराद का बहीमाना बेदर्दी के साथ कत्ल, जिसके अंदर मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है, और सारा घिराना ही खत्म करके रख दिया। और किसने किया? घर का सरबरा। तो नाज़रीन, इस पर बात करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो एक इंसान को जिंदगी नेमत दी है, वो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन किसी छोटी सी बातों पर, घरेलू लड़ाई पर या किसी मामले पर आकर अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लेना और दूसरों की जिंदगी को भी खत्म कर देना, ये इसकी इस्लाम और कानून के तहत ये बिल्कुल जायज नहीं। आपने दुनिया के अंदर तो ये अजियत से जान छुड़ा लेंगे, लेकिन आखिरत के अंदर आपकी कतन बख्शिश नहीं होगी। तो नाज़रीन, आपको ये वाकया बताने जा रहे हैं कराची का मलेर शमसी सोसाइटी के अंदर ये जो वाकया पेश आया, ये वाकयातन इंसान के दिल हिला के रख दिए कि जिसके अंदर एक हंसता बसता घिराना के जो फवाद नामी शख्स है, कि जिसके घर के अंदर अक्सर अपनी बीवी के साथ लड़ाई रहती थी, इसकी बेटियां बेटियां थी, तीन बेटियां थी, गालबन इसने बेटियों को लेकर घर के अंदर, कईयों की ये आदत होती है कि लो जी मेरे घर तो में बेटियां बेटियां हैं, बेटा तो है ही नहीं। भाई, इसके अंदर औरत का क्या कसूर? इसके अंदर औरत का कोई जुर्म नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन है। चाहे वो किसी को बेटियां दे, चाहे वो किसी को बेटे दे, चाहे वो मिक्स दे, ये तो अल्लाह ताला का निजाम है। लेकिन बाज लोगों के जहनों के अंदर ये गंदगी सवार हो जाती है कि जनाब मेरे तो बेटे नहीं, बेटियां बेटियां हैं। वो इसी टेंशन, इसी परेशानी के अंदर, एक तो गुर्बत का भी समा होता है, तो दूसरे नंबर पर वो लड़ता है कि जनाब बेटी तेरे घर के अंदर पैदा हो रही है तेरे पतन से, और तू ही मनहूस है, तू ही ये, यानी ऐसी चीजों से भी लड़ाई जन्म लेती है इसके अंदर, हालांकि उस औरत का कोई कसूर नहीं है। औलाद देना ना देना, ये तो मेरे अल्लाह ताला का निजाम है, उसकी कुदरत है। आप देखिए ना, आका अलैहि सलातो वस्सलाम, हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थी, और किस तरह प्यार करते थे आपको पता नहीं, इतना प्यार करते थे अपनी बेटियों से आका अलैहि सलातो वस्सलाम के सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला ना जब आपको मिलने के लिए आते तो आका अलैहि सलातो वस्सलाम खड़े हो जाते, अपनी बेटी की पेशानी को बोसा देते, इतना प्यार करते कि हत्ता कि आपने ये फरमा दिया कि फातिमा बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने इसका इसको दुख पहुंचाया उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया, जिसने इसको खुशी दी उसने मुझे खुशी दी। तो ये यहां तक आका अलैहि सलातो वसलाम ने अहमियत दी, लेकिन यहां पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि अक्सर जो है, हालांकि मुसलमान है नाज़रीन मुसलमान, ये दर्दनाक वाकया है, इतना दिल खराश वाकया, दिल दुखता है कि बेटियों को कत्ल कर दिया। बेटियों की आप उम्रें सुनेंगे नाज़रीन, आप हैरान रह जाएंगे कि जब पुलिस पहुंचती है तो अंदर से कुंडी लगी हुई है। तो इतना दिल खराश वाकये ने दिल हला के रख दिया कि ये फुआद जो खुद भी अब तश्वीशनाक हालत के अंदर जख्मी है, ये तो जब होश आएगा तो फिर पता चलेगा ना कि उसने क्यों ऐसा किया। हत्ता के उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके भाई रहता है अपनी फैमिली के साथ, उसने गवाही दी कि जी हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे तक तो आवाज तक नहीं पहुंची। ये फुआद ने या जहर दे दिया उसको, और साथ में आला कत्ल जो है उसको भी वो बरामद कर लिया पुलिस ने। लेकिन आप सुनिए, बच्ची कितनी उम्र है? तीन बेटियां थी, तीन बेटियां, तीन बेटियां, एक 10 साल सिमरा थी और एक 12 साल फातिमा थी और एक 16 साल नेहा थी, ये तीन बेटियां। अरे भाई, उन बिचारियों का क्या कसूर था? लड़ाई तुम्हारी अपनी थी, अरे गुर्बत भी अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तो नहीं कहा कि गुर्बत एक इम्तिहान है, ठीक है वक्त गुजर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने खुदकशी को हराम करार दिया है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने भी हराम करार दिया है, इसने बीवी को भी माफ नहीं किया, और बेड के ऊपर तीन बच्चियों की लाशें पड़ी हुई है, और बेड के नीचे नाजरीन बीवी की लाश पड़ी हुई है,
और खुद जख्मी है तश्वीशनाक हालत के अंदर, और वहां जो गवाही दी है उसके भाई ने भी और लोगों ने भी कि इनके दरमियान अक्सर लड़ाई रहती थी, अक्सर झगड़ा रहता था। कहते आज भी झगड़ा हुआ है। लेकिन देखिए नाज़रीन, हम औरतों को भी कहेंगे कि खुदा के लिए अगर आपका खावंद परेशान है, एक तो वो रोजी की तरह परेशान होगा, कोई हालात भी आज कल ऐसे है, महंगाई ने दम तोड़ के रख दिया है, इतनी महंगाई है नाज़रीन हम आपको बताएं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इसकी फिक्र ही नहीं है। उनको क्या फिक्र, वो तो अपने प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको कौम के खजाने से पैसा मिल रहा है, उनकी औलादें पढ़ रही हैं, वो आए जाए बाहर के मुल्कों के अंदर सैरें हो रही हैं, उनके प्रोटोकॉल है, क्या कहने उन लोगों के, उनको क्या फिक्र कि आवाम जाए पहाड़ के अंदर, उनको क्या है कि चीनी का क्या पाव है, घी का क्या पाव है, आटे का क्या पाव है, किसी के लोग गुर्बत से मरना शुरू हो गए, इनको कोई परवाह नहीं हुक्मरानों को। लेकिन याद रखना, इस हुक्मरानों को क्यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। देखो ना आप, हुकूमत के जो समलियत तालीर करने की बात आई तो कैसे सरगर्म हो गए, पैसों कि इन्होंने अंबार खोल देने हैं। अरे यही पैसों की बोरियों के मुंह खुदा के लिए, मुल्क के लिए खोलो, खुदा के लिए, अवाम के लिए खोलो, तुम्हारी ख्वाहिशात ही पूरी नहीं होती तो क्यामत के दिन तुम मुजरम होगे क्या, और कौम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। ये दुनिया की चार रोजा जिंदगी गुजर जानी है, ये आपके पेट नहीं भर सकते, ये जहन्नम की आग ही आपके जो पेट भरेगी। तो नाज़रीन ये हुक्मरानों को भी चाहिए कि हमारे मुआशरे के, हमारे गरीब तबके का ख्याल करें। लेकिन गुर्बत की वजह से जो हादसात हो रहे हैं, जो खुदकशी हो रही है, इसके अंदर कल क्यामत के दिन हुक्मरान भी ये मुजरम होंगे। लेकिन नाज़रीन ये इंतहाई जो कराची का बलेर छपसी का सोसाइटी का वाकया पेश आया, SSP कोरंगी जो है उसने बयान दिया है, उसने बताया है कि ये खुदकशी का वाकया, चूंकि हम जब पुलिस पहुंची है अंदर से ये बंद थी, और उसके भाई ने भी बयान दिया कि अक्सर इनके घर के अंदर लड़ाई रहती थी, और पता नहीं किस बात पर, बच्चियों को लेकर या किस बात को लेकर, गुर्बत को लेकर, और गुर्बत के हालात भी आप लोगों के सामने है नाज़रीन। अब तो यकीन जाने हम जैसे लोग भी हिम्मत हार चुके हैं, तो क्या करें। लेकिन अल्लाह ताला पर हमें तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए, तो वो रिजक देने वाला है, वो जब चाहेगा वो रिजक दे देगा। ये उसकी तरफ से कुछ आजमाइशें भी होती हैं, तो इंसान को सब्र करना है। घर के अंदर औरतों को भी हम कहेंगे कि वो भी सब्र का मुजाहरा करें, वो ताने ना दे अपने खामदों को, वो लड़ाई और झगड़े की बुनियाद ना बनाए, जिसकी वजह से खामद आखिरकार उकता जाता है, और इसकी बेटियां भी थी इस वजह से भी वो तंग था, और दूसरे नंबर पर गुर्बत थी इस वजह से भी वो तंग था। लेकिन आगे जो औरत के तलख जो होते हैं सवाल के जवाब, वो नाज़रीन बंदे को मार देती है। लेकिन बहरहाल ये थाई जो वाकया दलखराश वाकया है नाज़रीन, इसने तो दिल हिला के रख दिए कि एक पूरी फैमिली तबाह होकर रह गई, और फवाद खुद जख्मी अस्पताल के अंदर, तश्वीशनाक हालत है, ये वहां के SSP ने रिपोर्ट दिया है। अब आगे चलकर देखते हैं कि आखिर इसको जब होश आए, अल्लाह करे इसको होश आए, जिंदगी बच जाए, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि आखिर वाकया क्या हुआ, लड़ाई के दरमियान कौन सी ऐसी बात हुई जिसके पास तलखी हुई और तीन बच्चियों की जान ले ली और बीवी की जान ले ली, और पूरी दुनिया इस पर वाकये पर पूरी गमजदा भी है, परेशान भी है इस पर। वहां सिंध के वजीर आला ने भी नोटिस लिया है, गवर्नर वहां जो सिंध है उन्होंने भी नोटिस लिया है, और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर लिया। आगे क्या इसकी तफसीलात आती है नाज़रीन, जल्द आपको आगाह करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए।